की कुछ ताज़ा खबरों की तरफ। प्रदेश के मुख्यमंत्री की तमाम कोशिशों के बावजूद भी कोविड 19 के उल्लंघन करने वाले देर रात तक पार्टी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं देर रात डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र को सूचना मिली थी कि एडम्स कैफे में जमकर शराब परोसी जा रही है। वहां शराब के नशे में धुत युवती आपस में विवाद करते हुए मिली। वहीं नशे में धुत युवतियों ने पुलिस के साथ भी बदतमीजी की थी। दरअसल पूरा मामला देर रात कनाड़िया थाना क्षेत्र का है, जहां एडम्स कैफे में जमकर शराब परोसी जा रही थी, जिससे शराब के नशे में धुत युवतियों का आपस में विवाद हो गया। वहीं सूचना के बाद कनाड़िया पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस के कान खड़े हो गए, जहां बड़ी संख्या में युवक और युवतियां आपस में शराब के नशे में एक दूसरे से विवाद करते नजर आए। घटना में दो थानों का बल मौके पर पहुंचा और विवाद सुलझाने में लग गया। वहीं बताया जा रहा है कि एडम्स नामक कैफे का शुभारंभ पर फ्री एंट्री रखी गई थी, जिसमें जमकर शराब की पार्टी की जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने मैनेजर को तलब कर कोविड 19 सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क बेभीड़ लगाने पर कोविड 19 के उल्लंघन तहत धारा 178 में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। जी हाँ, अभी ये देखने में आया है कि पिछले कुछ दिनों में कनाड़िया में एक नया पब खुला है, उसमें कुछ विवाद हुआ था। विवाद होने पर पुलिस वहां पर गई थी और उसमें उस पब के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। और नए साल के जो पार्टीज़ हैं उसके संबंध में कोविड को देखते हुए कलेक्टर साहब ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। जो भी उस दिशा निर्देश के विरुद्ध पार्टी आयोजित करेगा या कोई आयोजन करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। द नेटिजन न्यूज से सिटी रिपोर्टर साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।